शुभ प्रभात अखिलेश वाणी जी एवं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधु हो, मैं कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 29 अप्रैल 2022 फ्राइडे, अप्रैल महीने की चौथे सप्ताह का अंतिम कारोबारी दिन। दोस्तों, अगले सप्ताह मई का हम स्वागत करेंगे, लेकिन आज उससे पहले आज के इस विशेष शो में हम चर्चा करेंगे आपको राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान, स्टॉक मार्केट, एग्रो कमोडिटीज और नॉन एग्रो कमोडिटीज पर क्या बन सकती है हलचल। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जी कि आज की ग्रह स्थिति। आज की ग्रह स्थिति में राहु और सूर्य मेष राशि में, गुरु चंद्रमा शुक्र मीन राशि में, मंगल कुंभ राशि में, शनि मकर राशि में और केतु तुला राशि में है, और शनि का राशि परिवर्तन बिल्कुल सर पर है। तो दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनुराशि। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती है, और 11 से 12 बजे के बीच में कक्षा 12 से 1 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता है। 2-6 की है पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन आज निश्चित रह सकता है, आप 1 से 2 बजे के बीच में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यह है वायु तत्व की राशियां यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आज के लिए दिन आपका शुभ रह सकता है, लेकिन आप 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि विशेषकर 3 से 4 बजे के बीच में आपको इस दिन छोड़ के कहीं नहीं जाना है, आप बिल्कुल सावधान रहेंगे। जी अखिलेश जी, बात करेंगे यहाँ से अब कम्युनिटी बाजार की। कर्नल जी, सबसे पहले बात करें अगर एग्री कम्युनिटीज की, तो आज हमने कैसे सीड में कुछ अपसाइड मोमेंटम बनते हुए देखा है। कैसे सीड सीमित दायर में कारोबार कर रहा था काफी समय से, लेकिन आज अचानक से 7300 के ऊपर हमने इसको ट्रेड करता हुआ देखा है। आपको क्या लगता है अब कैसे सीड का आउटलुक कैसा रहेगा? देखिए, कैस्टर सीड यानी अरंडी का जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने आपसे लगातार चर्चा यही की थी कि अरंडी के अंदर हमें तेजी नजर आती है, और इसके अंदर जब भी मूवमेंट होते हैं कि ये तो ये मूवमेंट ऊपर का दिखाता है, इसके शांत हो जाता है, उसके बाद फिर मूवमेंट दिखाता है, और उसके बाद में ये अच्छी मूवमेंट करता है। तो अरंडी के अंदर आज यानी कैस्टर के अंदर आज तेजी की संभावना है। ये 7260 का इसका लो है, और ये 7300 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और ये मुझे लगता है कि इसके अंदर मजबूती आनी चाहिए और अच्छा रहना चाहिए, और हो सकता है कि अगला सप्ताह भी इसके अंदर कुछ मजबूती की संभावना नजर आए। जी अखिलेश जी, जी से कर्नल जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने देखा है कि यूएस सोयाबीन वायदा ठीक ठाक लेवल्स पर अपना सपोर्ट लिए हुए हैं, 1600 के ऊपर भी हमने इसको जाते हुए देखा है। वही भारत में भी सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो भी पहले से ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, और इस बार ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि तिलहन की बुवाई का जो रकबा है वो बढ़ सकता है इस बार, क्योंकि जो प्राइसेस हैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। तो इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है अब सोयाबीन का बाजार कैसा रह सकता है, भाव क्या रह सकते हैं, कितनी मंदी तेजी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो बुवाई का सीजन है वो भी नजदीक है। देखिए, सोयाबीन जो है प्रमुख खाद्य तेलों में से एक आता है, और उसके अंदर चाहे कितना भी रकबा हम लोग बढ़ा लें, क्योंकि भारत का जो खाद्य तेलों पर विदेशों की जो डिपेंडेंसी है, जो हम भारत के अंदर इतना हमारे पास ऑयल सीड नहीं उगा पाते जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, लगभग 60% से अधिक भारत को ऑयल सीड यानी तिलहन का या खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। तो महत्वपूर्ण ये होगा कि जब तक 25-30-40% की एक बड़ी रकबा नहीं बढ़े और उसके अंदर बड़ी पैदावार ना हो, उसका बहुत विशेष असर भारतीय फसलों पर नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण यह रहता है कि जो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देश हैं, वहां पर मौसम कैसा रहे, वहां पर उनकी एक्सपोर्ट कैसी रहे, अमेरिका की जो एक्सपोर्ट की पॉलिसी है वो कैसे रही, और साथ साथ में जो सबसे बड़ा जो सोयाबीन का कंज्यूमर देश माना जाता है वो है चाइना, वहां पर सोयाबीन की कितनी खपत और कितना वो इंपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद फिर यदि हम देखें कि फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है पाम ऑयल, क्योंकि खाद्य तेलों में पाम ऑयल का अपना रोल है, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, इसका अपना रोल है।
तो कुल मिला के सारांश के रूप में ये हम कह सकते हैं कि हमारा अधिक पैदावार कर लेना या कम बहुत ज्यादा कम पैदावार करना कोई बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। और ये सारी जो इसकी सारे तालों की एक ही चाबी है, वो चाबी है विदेशी बाजार के अंदर सोयाबीन के भाव। और यही चीज आपको याद होगा, जब जनवरी के अंदर जब भारत सरकार ने सोयाबीन की तेजी को देखते हुए सोया ऑयल और रिफाइंड के ऊपर, तिलहन के ऊपर जो ऑयल सीड है उसके ऊपर वायदे में रोक लगाई थी, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि आपको धैर्य रखना है। 1020 का जो उस टाइम रिफाइन चल रहा था, सोया तेल चल रहा था, वो बाजार में 1700 रुपए तक बिका लगभग 30-35 दिन के अंदर ही। तो कहने का और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरकार, बहुत अच्छी बात है, इस पर प्रयास करे और इसके अंदर वो प्रयास सरकार प्रयास कर भी रही है कि जो तिलम संघ वगैरह है उसके अंदर पाम ऑयल के, पाम की खेती ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो, सोयाबीन के अच्छे बीज मिलेंगे, सब कुछ है, लेकिन डिस्पैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो उसके अंदर यही मेरा कहना है कि सोयाबीन के अंदर बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले समय के अंदर सीजन पूरा पड़ा है और दूसरी चीज फसल में भी टाइम है। तो इस तरह को देखते हुए, लेकिन एक अच्छी बात जरूर है कि सरसों का शानदार पैदावार से फर्क जरूर पड़ा है, और जो 25% 24% की जो अधिक रकबा सरसों की थी उसका असर भी सोयाबीन पर पड़ रहा है। और अक्सर ये होता था कि सरसों सोयाबीन से महंगी दिखती थी, सरसों का तेल भी जो है खाद्य तेल वो सोया तेल से महंगा दिखता था, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, सरसों का तेल सोयाबीन से सस्ता है और सरसों भी सोयाबीन से सस्ती है। ये फर्क जो है ये बड़ा आश्चर्यजनक है। और अमूनन जो खाद्य तेलों का काम करते हैं और जो उसका इस्तेमाल करते हैं उनको उनके लिए ये भी है। तो अब सवाल यही रहेगा कि किसानों को सोया का भाव अच्छा मिले, दूसरी चीज उपभोक्ताओं को उचित मुनाफा लेने के बाद कंपनियां उपभोक्ताओं को सही दाम पर माल बेचे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है। और दूसरी चीज जो लिमिट की बात जो है, जो सरकार यदि लिमिट लगाती है तो वो उसका समान रूप से होना चाहिए, इंपोर्टर्स के ऊपर भी लिमिट होनी चाहिए, एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी लिमिट होनी चाहिए, मिलर्स पे भी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंपोर्ट तो बेताशा कर रहे हो और आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर आपने लिमिट लगा दी है, तो ये इससे जो छोटे किसान है या छोटे व्यापारी हैं उनको बड़ी परेशानी होती है कि आप इंपोर्ट हो रहा है, बड़ा से बड़ा आ रहा है, लेकिन लिमिट आपने यहाँ लगा रखी है। तो आप जब यहाँ पर भी आप लिमिट लगाओगे तो वहां भी आपको लिमिट लगानी है, लेकिन उनके सरकार के हाथ में इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है 60% अधिक, आप 60% से 40% ही आप उत्पादन करते हैं। तो लिमिट लगाने से छोटे किसान जरूर मरेंगे, छोटे व्यापारी जरूर मरेंगे, लेकिन बड़े व्यापारियों को और मिलर्स को और इंपोर्टर्स को उतना ही फायदा होगा। तो मेरा मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से यही अपील है कि उपभोक्ताओं को किसानों का, छोटे व्यापारियों का भी हितों का ख्याल रखना चाहिए और हमें इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जी अखिलेश जी, सोयाबीन पर एक और चर्चा करना चाहूंगा आपसे। हाल ही में पोल्ट्री उद्योग की फिर से मांग उठी है खल के आयात को लेकर, उन्होंने फिर से सरकार को पत्र लिखा है कि जीएम सोया मील का आयात किया जाए। कहने लगे कि साल 2021 में भी कुछ ऐसा ही हमने सिनेरियो बनते हुए देखा था, जब सोयाबीन की बुआई का समय था और होने वाली थी तभी सरकार ने सोया खल का आयात कर लिया था जीएम सोया मील का पिछले साल 2021 में। इस बार भी पोल्ट्री उद्योग फिर से यही मांग कर रहा है और हवाले ये दिया जा रहा है कि ऊंची कीमतों के चलते लागत नहीं निकल रही है, लेकिन इसका सोपा ने सरकार को पत्र लिखकर ये भी कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ये प्रसंस्करण कर्ताओं और उद्योग के व्यापारियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा और किसानों का जो मनोबल है वो भी टूट जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जब आपको याद होगा जब पोल्ट्री उद्योग ने DOC की बात की थी, इसको आयात की बात की थी, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि यदि आप अपनी गलती का दोष दूसरों पे डालते हैं ये बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जब आयात हुआ था उस समय सोयाबीन के जो दाम थे वो बहुत तेजी से नीचे गिरे थे
और ये भी सत्य बात है कि पोल्ट्री उद्योग को जो छूट मिली थी उन्होंने पूरा आयात नहीं किया था, और नहीं करने की वजह ये थी क्योंकि इंडिया के अंदर सोयाबीन के दाम उस समय बहुत कम थे और उनको ये उम्मीद थी कि सोयाबीन के दाम और तेजी से गिरेंगे। सरकार ने वायदे पे रोक लगा दी है और तेजी से और गिरेंगे और इसका फायदा हमें भारत में इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ये भी एक विचारणीय बिंदु है। अब पॉइंट ये है कि लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, रेट बहुत बढ़ गए और ये टाइम पे इंपोर्ट कर नहीं पाए और तो उसके बाद में फिर इन्होंने अपना रिक्वेस्ट भेज दी। अब पॉइंट ये है, इसमें भी दोहरानी है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर जो दाम है वो बेताशा आकाश छू रहे हैं और उनको बर्ड्स को पक्षी को खिलाने के लिए दाना महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये जो तेजी मंदी है, उस तेजी मंदी के अंदर यदि आप समय के ऊपर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो और दोष सरकार के ऊपर डालेंगे, दोष अपने पर्दे पे डालेंगे, तो ये तो उचित बात नहीं है। और यही हाल कपास के अंदर हुआ था। कपास के अंदर हमने तेजी की बात की थी, आपको याद हो, सितंबर के अंदर बिल्कुल खुलेआम ताल ठोके कहा था मार्केट टाइम्स पे और अलग अलग चैनल्स पे भी कि इस बार हमें कॉटन बहुत बढ़िया लग रही है, और जो जिनर्स थे और जो स्पिनर्स थे जो मिल वाले, उन्होंने भी कॉटन के भावों में 3,61,00,000 गांठों के डिमांड में रखे, उन्होंने माल नहीं खरीदा टाइम पर, और टाइम पे नहीं खरीदा जब दाम बढ़ गए तो फिर उन्होंने ना परेशानियों का सबक देना चालू किया। अरे जब फसल के टाइम सस्ता था तो आपने क्यों नहीं खरीदा? आपने ये तो वही बात हुई कि जब आपके एग्जाम है तब उससे पहले तो आप पढ़े नहीं, उसके बाद में एग्जाम आए तो उसमें आपने कहा कि ये तो सवाल ही बहुत कठिन था, ये तो गलत तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया था। अरे तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर सवाल का क्या करेगा? और उसका खामियाजा ये होता है कि किसानों को, छोटे व्यापारियों को या जो भी है, उनको उनकी फसल का दाम पूरा नहीं मिल पाता है। तो सवाल आप पॉइंट ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म के अंदर मक्का का दाम और अनाज का दाम बहुत तेजी से बढ़ा है रशिया और यूक्रेन की वजह से। जो वीट हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करते थे उन कंट्रीज को, वहां भी हम लोग है ना कनक यानी गेहूं का निर्यात कर रहे हैं और इससे गेहूं के दाम भी बढ़ गए हैं, मक्का के भी बढ़ गए हैं और बाजरे के भी बढ़ गए हैं। तो अब इनको बड़ी समस्या हो रही है कि अब हम क्या करें। आप खाली वीट के, खाली आप सोया के बात क्यों करते हो, आप वीट की भी बात करो, आप मक्का की भी बात करो, आप बाजरे की भी बात करो, तो कुल मिला के परेशानियां तो हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि सरकार की तरफ से LCDS, MCX जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस हैं उनका सही इस्तेमाल हेजिंग के लिए करना चाहिए। यदि आपको भाव कम या ज्यादा आपको आगे एंटिसिपेट करने हैं तो उसके अंदर हेजिंग पोजीशन बना के अपने 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 नुकसान से बचना चाहिए, लेकिन वो करना नहीं है इनको। इनको करना है कि जब बाजार में तेजी आ जाए आप सोते रहो, जब उसके बाद में जब तेजी आ जाए तो सरकार की तरफ गुहार लगाओ और फिर बाद में सरकार फिर कोई निर्णय लेती है। तो पॉइंट यही है कि किसानों को इसका नुकसान क्यों हो गए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पे विशेष चर्चा भी होनी चाहिए और इसका कोई एक समाधान भी निकलना चाहिए कि भाई कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है की परिभाषा होनी चाहिए कि इतना परसेंटेज होने के बाद इंपोर्ट होगा तो वो इंपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी इंपोर्ट पे रोक लगा दी जाए, कभी इंपोर्ट खोल दिया जाए, कभी लिमिट लगा दी जाए और कभी हटा दी जाए। ये इस तरह से व्यापार के अंदर बड़ी परेशानियां होती हैं और छोटा किसान हो या व्यापारी हो वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। और यही चीज प्याज के अंदर भी हुआ था, आपको याद हो तो, कि प्याज के अंदर भी आपने लिमिट लगाई गई है, उसके बाद सरकार ने 2,00,000 टन बफर स्टॉक भी बनाया गया। जब 600 का प्याज 3200 का हो गया तो फिर वो सरकारी एजेंसियों ने भी अपना प्याज ऊंचे नीचे में खरीदा हुआ प्याज ऊंचे में बेचना चालू किया। तो देखिए ये चीजें होती थी, होती हैं और मुझे लगता है आगे भी होती रहेंगी। तो ये लेटर उनका काम है, लेटर लिखना, सोपा का काम है उसको जवाब देना, लेकिन पॉइंट ये है कि किस क्या कम दामों के अंदर उनको पक्षियों के लिए दाना उपलब्ध हो रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि नहीं हो रहा है तो वो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी कर्नल जी, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले इसी चैनल पर कर बिजली और कोयले की संकट की बात की थी,
और वो अब नजर आता जा रहा है कि खबर मिल रही है कि 12 राज्यों में बिजली और कोयले के संकट से बिजली की कमी बेताशा महसूस की जा रही है, और 12 राज्यों के अंदर प्रमुख राज्यों भी हैं इसके अंदर, वो बड़े परेशानियों में का सबब आता है। बिजली का कट भी आ रहा है इसके अंदर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के अंदर गंभीर बिजली के संकट आ गए हैं और वहां पे कट भी हो रहा है। और यदि हम कोयले की भी कमी जो है, ताप बिजली घर है उसमें सबसे ज्यादा देखी जा रही है, लगभग 85 ताप बिजली घर कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। इसमें राज्य सरकार के 41 हैं, निजी उपक्रम के 32 हैं और केंद्र सरकार के 10 हैं और संयुक्त उपक्रम 2 है। तो टोटल मिला के 85 ताप बिजली घर जो कोयले की कमी से परेशान हैं। और महाराष्ट्र के अंदर तो आप देखिए 7 के ताप बिजली घर हैं, वो 7 के 7 कोयले की शॉर्टेज से परेशान हैं। इसी तरह से राजस्थान, पश्चिम बंगाल को लगभग सभी जगह स्थिति एक जैसी है। ये सोर्स निकल के आ रहा है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी जो है, उसने 26 अप्रैल को जो सूचना है या जो भी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर कोयले के भाव यानी कोकिंग कोल के भाव तेज हो सकते हैं, साथ में इसका असर वो औद्योगिक उठाएगी जहां जिसमें कोयले और बिजली का प्रमुख रोल होता है उत्पादन में, जैसे सीमेंट, जैसे स्टील, इस्पात, उन वहां पर उनके उत्पादन महंगे हो सकते हैं, पावर कट की संभावना बन सकती है, प्रोडक्शन कट लग सकता है, इससे इन कमोडिटीज के दामों के अंदर तेजी की संभावनाएं अधिक नजर आ रही हैं। तो जो भी इसके कारोबारी हैं वो विशेष ख्याल रखें। और एक और चलते चलते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 2-3-4 दिन ट्रेडिंग सेशन में बहुत जबरदस्त बुलियन में उतार चढ़ाव रहा, तो अगला सप्ताह संवाद का कुछ आशा लेके आए और अगले सप्ताह फिर हम आपसे इस पर विशेष चर्चा करेंगे आपसे। और हमारे चैनल पे ये मार्केट टाइम्स टीवी को बिल्कुल हमारा शो देखना ना भूले। अगले सप्ताह हम विशेष चर्चा करेंगे बुलियन के ऊपर और एग्रो कमोडिटीज के अंदर चंद वो कमोडिटीज जहां पर अब मुनाफा वसूली की संभावना है। याद रखिएगा, जब तक आप अच्छे दामों मिलने के बाद भी यदि वो दाम यदि वो मुनाफा वसूल नहीं करता है तो हाथ मलते रह जाता है। जिस प्रकार पेड़ पे फल पक जाता है और उसको आप नहीं तोड़ते, या तो फिर वो पक्षी खा लेता है या फिर वो पेड़ से फल की जमीन पे होता है और फिर बीज बनते हैं। तो इसका मकसद यह है कि समय पे यदि आपने मुनाफा नहीं लिया और बाद में और आप उसकी शिकायत करते रहे तो परेशानी है। नीचे दाम पर आपने माल नहीं लिया, जब वो दाम बढ़ जाए फिर शिकायत करते रहे, ये बिल्कुल नहीं है। तो हम लगातार आपको अपडेट देंगे कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग बनती है। जी अखिलेश जी, जी इसी के साथ स्टॉक मार्केट में किन शेयर पे ध्यान रखना चाहिए? स्टॉक मार्केट में देखिए वॉलेटिलिटी जारी है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच हमें रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज आप पावर स्टॉक्स जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि बिजली संयंत्र जो है वो बिजली संकट से जूझ रहे हैं, तो पावर के दाम बहुत तेज हो सकते हैं। इसमें सरकारी कंपनी IEX के ऊपर आप नजर रखें, यानी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के ऊपर नजर रख सकते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पे नजर रख सकते हैं, ये अच्छी मुझे नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त आप सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, PSU जिसे कहते हैं हम, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, उस पर भी नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं कि अगला सप्ताह संभवत है सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में अच्छी तेजी लेके आए। इसमें सरकारी बैंक भी शामिल हैं और LIC का IPO भी डिक्लेयर हो गया है। ये मेगा IPO है अभी तक का सबसे बड़ा, और इसके अंदर बहुत बड़ी राशि सरकार LIC के शेयर्स को डाइल्यूट करके लेना चाह रही है। तो LIC के स्टॉक जो बाकी सब्सिडरीज हैं जैसे LIC फाइनेंसिंग वगैरह, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण होगा, देखिए कि शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो, बुलियन मेटल हो या एग्रो जींस हो, सब में समय से पहले आप जो हम बताते हैं उस पर आप नजर रखिए। आपको ठीक लगे तो आप बिल्कुल लीजिए और टाइम पे मुनाफा वसूल कर लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक और अपनी क्षमताओं का विशेष ख्याल रखें। अपनी क्षमताओं से ज्यादा बिल्कुल काम ना करें, स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करें और अपनी विवेक से और अध्ययन करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। जी, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।